नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुखबरों की तरफ। जीवन शाह तिराहा यूं तो दुर्घटनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। परंतु 29 जनवरी रात 8:30 बजे हुई गोलीकांड की घटना ने क्षेत्र के लोगों में दहशत पैदा कर दी। इस घटना में मिशन कंपाउंड में रहने वाले प्रसिद्ध दवा व्यापारी विनय नायक ने मामूली से विवाद के बाद कार सवार शिक्षक के पुत्र मोहित मिश्रा को गोली मार दी और अपनी मोटरसाइकिल से घटनास्थल से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल कर विनय की पहचान कर ली और इसके बाद पुलिस ने मिशन कंपाउंड स्थित विनय के घर, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी, परंतु विनय का कहीं पता नहीं चला। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि विनय को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। माना जा रहा है कि विनय को पहले से ही मालूम था कि उसके करीबी लोगों के यहाँ पुलिस की दबिश हो सकती है, इसलिए वह कहीं और फरार हो गया। पर यहाँ पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि पुलिस चौकी और थाना दुर्घटना स्थल से लगे हुए हैं, फिर विनय मिश्रा कैसे भागने में कामयाब हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अब विनय सीधे कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दे। विनय 2 मोबाइल नंबर चलाता था और उसके दोनों ही नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इस कारण से पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही। पुलिस की टीमें अब भी फरार विनय का सुराग ढूंढने में लगी हुई हैं, पर पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग सका। फिलहाल विनय ने जो भी किया उसकी सजा उसे देर सवेर मिल ही जाएगी, परंतु एक शिक्षक पिता का इकलौता चिराग विनय नायक ने हमेशा के लिए बुझा दिया। झांसी से पारस शर्मा के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट।